राजस्थान में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है। प्रदेश के 31 जिलों में कोरोना के पॉजिटिव सामने आए। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव की संख्या इसी के साथ 5906 हो गई। प्रदेश में आज 61 कोरोना पॉजिटिव सामने आए। नागौर में 17, डूंगरपुर में 11, झुंझुनू और सीकर में 8, कोटा में 6, सिरोही में 4, उदयपुर की अगर बात की जाए तो 3, जयपुर में 2, झालावाड़ और बारां में 1-1 पॉजिटिव पाए गए। जयपुर में कोरोना पॉजिटिव की संख्या इसी के साथ 1642, जोधपुर में 1110, उदयपुर में 420, कोटा की अगर बात करें तो 337, अजमेर में 259, भरतपुर में 129, नागौर में 213, टोंक में 154, चित्तौड़गढ़ की अगर बात हम करें तो 160, पाली में 209। राजस्थान में कोरोना से अब तक 143 लोगों की मौत हुई। राजस्थान में 3354 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए और 2929 लोगों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। लगातार जिस प्रकार से कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, आपको बता दें कोरोना पॉजिटिव की संख्या 5906 हो चुकी है। राजस्थान में 143 लोग कोरोना की चपेट में आकर राजस्थान में अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। तेजी से कोरोना का संक्रमण राजस्थान में बढ़ता जा रहा है। चिकित्सा विभाग भी बिल्कुल अलर्ट मोड पर है, अपना काम कर रहा है। 5906 कोरोना पॉजिटिव की संख्या हो चुकी है। लगातार जिस प्रकार से ये संक्रमण बढ़ता जा रहा है, सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इसे लेकर काफी गंभीर हैं और तमाम वीसी वो कर रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग के अफसरों से लगातार कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। लगातार दिशा निर्देश मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सभी अधिकारियों को दे रहे हैं, फिर चाहे वो प्रवासी राजस्थानियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने की बात हो, प्रवासी राजस्थानियों को अपने राज्य में लाने की बात हो या फिर कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने की बात हो। सिरोही से लियाकत अली हमारे संवाददाता फिलहाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जो लियाकत, बताएं सिरोही से क्या अपडेट। जी बिल्कुल मनीषा, सिरोही जिले में भी लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। अब तक पूरे सिरोही जिले के विभिन्न गाँव से कुल 69 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आ चुके हैं। वही सिरोही तहसील का एक जामोत्रा गांव है, वहां पर 3 मई को जो अहमदाबाद से अपने स्थानीय नागरिक पहुंचे थे, उनमें करीब उस गांव के 17 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। वही लगातार क्षेत्र में नए कोरोना के मामले आते जा रहे हैं। वही स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से तत्पर है और कोरोना को लेकर लगातार प्रशासनिक अधिकारी जीरो मोबिलिटी क्षेत्र को घोषित कर कर्फ्यू लगाने का काम कर रहे हैं। लिया देखिए, लॉकडाउन 4 शुरू हो चुका है, ऐसे में कुछ रियायतें भी दी गई हैं राज्य सरकार के द्वारा, तो किस प्रकार के हालात वहां पर हैं, लोग जागरूक हैं? जी बिल्कुल, लॉकडाउन 4 में जो रियायतें दी गई है, लेकिन सिरोही जिला जिसने रेड जोन में एंट्री कर ली है, तो ऐसे में कई रियायतें जो राज्य सरकार से दी गई थी उन रियायतों को वापिस ले लिया गया है। लेकिन आमतौर पर जहाँ पर कोरोना के मामले नहीं है उन क्षेत्रों में दुकानें व्यापार समय सीमा से खुलते हुए नजर आ रहे, लेकिन जिन क्षेत्रों में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है वहां पर जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर उनमें कर्फ्यू लगाया जा रहा है। बिल्कुल लियाकत, तमाम अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। उदयपुर से हमारे संवाददाता रवि मल्होत्रा फोन लाइन पर फिलहाल जुड़ चुके हैं। जी रवि, बताएं उदयपुर से क्या अपडेट। जी रवि, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। और उदयपुर की अगर स्थिति की बात करें हम कोरोना अपडेट को लेकर, तो अभी तक लगातार जो है कोरोना मरीजों की संख्या यहाँ पर बढ़ती जा रही है। हालांकि दिन भर में करीब 400 से 500 सैंपल भी लिए जा रहे हैं, उसमें कई सारे निगेटिव जा रहे हैं, लेकिन एक आंकड़ा मैं आपको बताऊँ की करीब 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 5 से 7 से ऊपर
जो है लोग जो है रोज कोरोना के पॉजिटिव आ रहे हैं। सबसे पहले जब यहाँ पर उदयपुर में जिस तरह से जो कांजी का हटा जो कि यहाँ पर एक एपिक सेंटर के रूप में उभर के आया था, वहाँ सबसे ज्यादा मरीज अभी तक पाया जा रहा है, लगातार वहाँ पर भी मरीज निकलते जा रहे हैं। लेकिन अब समस्या ये हो चुकी है कि शहर के अन्य इलाकों में भी जो कोरोना के जो पॉजिटिव मरीज है उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, जिसमें भोपालपुर अशोक नगर सेक्टर 14 गोर्धन विलास के अलावा धान मंडी का जो एरिया है और भी कई इलाके हैं वहाँ पर भी जो है कोरोना के जो मरीज है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जी रवि, ये बताएं कि देखिए यातायात भी सुचारू रूप से शुरू हो चुका है, ऐसे में जिन क्षेत्रों में कोरोना के मरीज नहीं आ रहे हैं वहां पर लॉकडाउन 4 में क्या हालात हैं? जी देखिए, जिस तरह से अभी जो मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी है उनकी तरफ से जिस तरह की रिपोर्ट आई है कि उदयपुर का जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र का जो एरिया है वो तकरीबन जो रेड जोन में है, क्योंकि उदयपुर में जितने वार्ड है उसमें आधे से ज्यादा वार्ड के अंदर में है जो पॉजिटिव मरीज है। कुछ क्षेत्र जो शहर से बाहर है वहां पर जरूर ये है कि लॉकडाउन जो चल रहा है उसके अंदर थोड़ी सी रियायत बढ़ती गई है, लेकिन अधिकतर जो क्षेत्र है वहां पर लगातार सख्ती बढ़ती जा रही है। कई करीबन आधा जो शहर है वो अभी भी कर्फ्यू जोन में है, तो ऐसे में देखा जाए तो लगभग जो है शहर में सन्नाटा पसरा हुआ है। सुबह 11 बजे तक जो है कुछ शॉप्स खुलती है, लेकिन उसके बाद में दिन भर यहाँ पर जो है सन्नाटा पसर रहता है। पेट्रोलिंग टीम जो है पुलिस की वो लगातार यहाँ पर वॉच करती रहती है, कोई भी लोग अगर इस वक्त जो है दिन के समय में अगर निकल रहे हैं घरों से बाहर तो उन पर कार्रवाई भी की जा रही है, अगर कोई मास्क लगाकर भी नहीं निकल रहा है तो भी कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल रवि, रवि देखिए तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपको बता दें 143 लोगों की मौत हो चुकी है राजस्थान में कोरोना की चपेट में आने से, और लगातार कोरोना का जो संक्रमण है वो बढ़ता जा रहा है। सुजीत शर्मा हमारे संवाददाता झुंझुनू से फिलहाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुजीत, झुंझुनू में क्या अपडेट? जी मनीषा, बिल्कुल आपको बता दूं कि कोरोना को लेकर झुंझुनू जिले में कोरोना है वो काफी संक्रमण फैल रहा है। लगातार करीब 12 घंटे के अंदर नए 4 केस सामने आए, कुल मिलाकर 2 दिन के अंदर 8 कोरोना पॉजिटिव केस है जो झुंझुनू के अंदर मिला है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अब तक जो कोरोना पॉजिटिव की संख्या है वो 68 हो चुकी है, और उसी को लेकर प्रशासन एकदम सख्त दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल सुजीत, तमाम अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में हर जिले से आपको लगातार हम अपडेट दे रहे हैं। कोटा से राजेंद्र भारद्वाज फिलहाल फोन लाइन पर मौजूद हैं। राजेंद्र बताएं कोटा में क्या हालात, जिस प्रकार से आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं क्या इंतजाम वहां पर? तकनीकी खामी की वजह से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन आपको बता दें राजस्थान में तेजी से कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। 5906 कोरोना पॉजिटिव की संख्या हो चुकी है और 143 लोग कोरोना के चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं। इसी बीच लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुखातिब हो रहे हैं, तमाम अधिकारियों से दिशा निर्देश उनको दिए जा रहे हैं, फीडबैक उनसे ले रहे हैं ताकि जो भी सुविधाओं की कहीं कमी या फिर कोई भी किसी भी प्रकार का फेरबदल अगर करना हो तो वो लगातार किए जा रहे हैं। आमजन की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन 4 में काफी कुछ रियायतें भी दी गई हैं। लगातार चिकित्सा विभाग के अधिकारियों से संपर्क खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बनाए हुए हैं, लगातार फीडबैक उनसे लिया जा रहा है कि किस प्रकार के हालात हैं। संक्रमण बढ़ता जा रहा है लेकिन बिल्कुल चिकित्सा विभाग अलर्ट मोड पर है, मुख्यमंत्री खुद सचेत हैं, गंभीर हैं और तमाम एहतियात बरती जा रही है। 5906 कोरोना पॉजिटिव की संख्या राजस्थान में हो चुकी है और 143 लोग कोरोना की चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं। एक बार फिर से राजेंद्र भारद्वाज कोटा से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राजेंद्र बताएं क्या हालात वहां पर, देखिए लॉकडाउन 4 भी शुरू हो गया है, ऐसे में किस प्रकार के हालात वहां पर हैं? बिल्कुल बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो लॉकडाउन 4.0 लागू हुआ है उसके बाद लोगों की आवाजाही सब जगह दिखाई दे रही है। उसके बाद में अगर बात करें कोरोना पॉजिटिव के आंकड़ों की तो कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। आज सुबह 6 केस सामने आए थे। टोटल अगर केसों की बात करें कोटा के तो यहाँ पर 333 केस अब तक सामने आ चुके हैं। तो लगातार लॉकडाउन 4 चालू है मगर कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। जी राजेंद्र, एक और सवाल आपसे ये करना चाहूंगी कि जो लोग अब कोरोना पॉजिटिव सामने आ रहे हैं वो बाहर से आए हुए हैं या फिर वहीं के रहने वाले? बिल्कुल,
यहाँ पर जो कोरोना पॉजिटिव सामने आ रहे हैं वो लोकल यहाँ के निवासी हैं, उनकी बाहर की कोई भी स्थिति नहीं बताई जा रही। तो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि ये उन लोगों से संक्रमित हुए हैं जो यहाँ पर रहे थे और यहाँ के रहने वालों से संक्रमण फैल रहा है। कुछ लोगों की स्थिति आई है कि अस्पताल में इलाज कराने गए थे या आस पड़ोसी के संपर्क में आए, ये एक बड़ा कारण है। बिल्कुल राजेंद्र, तमाम अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। लगातार हर जिले से अपडेट हम आपको दे रहे हैं।